कल अपलोड होगा आने वाले सभी दर्शकों का हम तहे दिल से और दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। तो आज के दिन का जो ये पहला मुकाबला काफी अहम और निर्णायक मुकाबला खेला जा रहा है, क्योंकि आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है खेतिया और अक्कल कुआ एडी के बीच में ये पहला मुकाबला और ये पहली गेंद पे अपील थी और नकार दिया अंपायर ने और आउट दे दिया। हमारा स्कोरर कहाँ पे भाग गया भाई, जल्दी से जल्दी आ जाए बॉल बेटा। अजय ज्योति सिंह भाई कहाँ है अजय भाई? और ये पहली ही गेंद पे सफलता हासिल की यहाँ पे खेतिया इलेवन के गेंदबाज, क्या नाम है भाई बता दीजिए? आशीष के नाम ये पहली सफलता, पहले ही गेंद से और सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे
पहला विकेट का पतन हुआ यहाँ पे अक्कल कुआ इलेवन का। और अगले नए पैर लगाता है क्रिस पे बाल बच्चे वाले इरफान जो कि काफी यहां पे अनुभव करने बाद बहुत ही तरफ निकली और हल्की से अपील और काफी यहां पे अच्छी गेंद यहां निकलती हुई। ये कौन है बल्लेबाज पिंटू पिंटू के लिए काफी अच्छी गेंद थी। बहुत अच्छा अशोक चल चल देगा मुंद्रो के हाथ में ये बॉल बच्चे आशीष अपनी पहली ओवर करते हुए जबरदस्त शॉट था ये लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में बॉल बेटा आशीष जबा जबा आजा जबा बॉय जबा सरे बॉल बेटा यार बॉलिंग यार पिंटू के लिए अगली गेंद और इसका छोड़ दिया ऐसे भी वाइट गेंद थी ये लौटाना चाहते थे बल्लेबाज को वो कुछ गलती करे आशीष देखते हैं पिंटू काफी खतरनाक हर हिटर बल्लेबाज है लेकिन संपर्क सही नहीं हुआ बढ़िया बढ़िया और कोई रन नहीं आया और ये पहली सफल ओवर की समाप्ति हुई आशीष की जिन्होंने पहले गेंद पे विकेट चटकाया था। पहले ओवर की समाप्ति पे बढ़ता हुआ स्कोर दो रन पहले विकेट के नुकसान पर एडी अक्कल कुआ जो कि आज पहले बल्लेबाजी करते हुए तो ये जो मुकाबला खेले जाने वाला है काफी निर्णायक मुकाबला है। यहाँ से सभी दोनों टीमें करो या मरो की पूरी संभावना पूरा प्रयास करेंगे अपनी ओर से। मोसिन कट कर दिया है इरफान ने लेकिन एक रन मिल पाएगा अच्छी फील्डिंग के तहत और
रही है, थोड़ी सी मिसफील्ड पे चलते हैं, खतरा भी हो सकता था, लेकिन इस टीम के साथ में बहुत लंबा डिस्टेंस नहीं पहुंचा, वकाल पूरा किया। ये दो रन पूरे किए, मिसफील्ड के चलते एक रन चुराया था। महेश की अगली गेंद अच्छी थी ये गेंद, लेकिन मिसफील्ड हुई। और ये गेंद वाइड भी थी और ये चार रन, तो पांच रनों का इजाफा होता हुआ। तो आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला काफी खतरनाक और दिल दहला देने वाला, खेतिया वर्सेस जक्कलपुरा के बीच में ये काटे का मुकाबला। और इसी बीच इरफान ने सीधे बल्ले से प्लेस किया, रन की कोई गुंजाइश नहीं इस गेम पे। और इस बार अच्छी गेम थी, लेकिन बड़ी हिट लगाने में कामयाब नहीं हो पाए इरफान। महेश काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए, और इस बार उठा के मारा है, और यह बेहतरीन पारी का पहला छक्का आता हुआ इरफान के बल्ले से। इसी का इंतजार था हमारे दर्शकों को कि कब यहाँ पे बड़ी हिट लगा पाते हैं इरफान। महेश की अगली गेंद, और इस बार अच्छा प्लेसमेंट दिखाया इरफान ने, और ये थोड़ी सी मुश्किल, यहाँ पे खतरे से खाली नहीं है और खतरा टाला, और एक रन पूरा किया। देखते हैं पिंटू क्या कर पाते हैं इस गेंद पे, और अच्छा शॉट, और उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग वहां पे, अपने लिए निश्चित तौर पे तीन रन बचाए, सराहना करनी होगी ऐसी फील्डिंग की। और ये एक ही रन चुराया था, और ये दूसरे ओवर की समाप्ति महेश की। हमारे दर्शकों को फिर से बता दे के ये जो मुकाबला खेला जा रहा है, खेतिया वर्सेज अक्कलपुरा एडी 11 के बीच में, ये आरडी अक्कलपुरा और खेतिया के बीच में ये दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है, जो कि ये फैसला करेगा कि सुपर फोर में कौन सी टीम पहुंच सकती है। तो अभी तक हमारी यहाँ पे दो टीम पहुंच चुकी है, जो कि एक टीम है ब्राह्मण गांव 11 और दूसरी जो कि वेल्डा 1911 वहां पे पहुंच चुकी है चौथे राउंड सुपर फोर में। और जो ये मुकाबला हो रहा है, यहाँ से एक टीम पहुंच
सबको आज तो तीन टीम हो जाएगी और एक टीम का फैसला बाकी है अभी तक, जो कि बरसात के कारण रद्द कर दिया गया था, जो कि केके 11 और पथरा 11 के बीच में जो मुकाबला खेला जाएगा वहां से एक टीम आएगी। तो ये मुकाबला कल खेला जाएगा केके 11 और पथरा 11 के बीच में। और सेमीफाइनल का जो पहला मुकाबला है वो कल हमारे लतेश भाई ने बताया कि कल खेला जाएगा और ये अच्छी गेम कौन है भाई गेंदबाज अरवी जो कुपारी का तीसरा ओवर लेके आए हैं और अगली गेंद करेंगे और इस बार सही ठिकाने पे गेंद जगह बनाना चाहते थे पिंटू। और जो भी टीम यहां पे ये मुकाबला जीतेगी वो सेमीफाइनल या फाइनल की प्रबल दावेदार हो सकती है। अरवी की अगली गेंद लेकिन फील्डर नीचे और ये पिंटू की पारी का समाप्त हुआ। अच्छी इनिंग खेली पिंटू ने लेकिन आज बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए पिंटू। थोड़े आज फॉर्म में नजर नहीं आए पिंटू। और एक बड़े विकेट का पतन हुआ पिंटू के रूप में और अगले बल्लेबाज आमिर जो कि अगले मुकाबले में काफी शानदार परफॉर्मेंस दिया था आमिर ने गेंदबाजी से भी और बल्ले से भी आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी आमिर के कंधों पे। और ये अच्छा सप्ता और एक रन बड़ी आसानी से पूरा किया। अभी तक दो विकेट गिरे है आरटी 11 कलकुआ का पहले बल्लेबाजी करते हुए और इस बार थोड़ी सी लेंथ में बदलाव किया था। खराब गेंद और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। चार रनों के साथ में ये अच्छा स्टॉप था इरफान का। थोड़ी सी यहां पे गेंद में बदलाव करना चाहते थे अरवी लेकिन काफी लेंथ कम के बाहर डाल चुके थे। और इस बार अच्छा शॉट लेकिन फील्डर के हाथ में और यहां पे फंसाया अरवी ने और ये ओवर की अंतिम गेंद पे ये दूसरा झटका दिया अरवी ने और पारी का तीसरा विकेट गिरा।
दूसरे ओवर की समाप्ति पे बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर आरडी 11 अगले बल्लेबाज मुजाहिद स्कोर हुआ है 22 रन 22 और अच्छी गेंद थी लेकिन काफी बाहर और ये वाइट गेंद का इशारा हम पैर का क्या नाम है भाई गेंदबाज का आशीष आशीष अपनी दूसरी ओवर करेंगे कर दिया मौजूद और एक रन लेने का पूरा मौका था और एक रन बड़ी ही आसानी से पूरा किया कोई गलती नहीं है क्योंकि जो गेंद की दिशा थी वो थोड़ा बदला हुआ और गेंद निकल गई 4 रनों के लिए शायद यही मंजूर था 4 रन शायद गेंद ने दगा दे दिया अमर भाई को अच्छी गेंद थी है अच्छी गेंद थी ये निकल गई और ये हम पैर की उंगली उठी और ये आउट कुछ भी आउट बोलते अंपायर का डिसीजन आखिरी है भाई खेल दिल्ली दिखाए भाई ऐसा मत कीजिए अपील करा हो आउट दे रहा क्या तू भाई अंपायर को दबाव न ले अंपायर का डिसीजन का सम्मान करना पड़ता है भाई काफी सोचने के बाद में ये डिसीजन दिया है चलो बाहर निकलो भाई बाकी दर्शक चलो भाई अंदर मत जाओ अरे भाई लाइव चल रहा है झगड़ा मत करो कैमरा चालू उसमें
चलो भाई निकल आओ, जो अंतिम डिसीजन होता है हम पैर का और सोच समझ कर ये डिसीजन दिया गया है। हम पैर का डिसीजन का आधार करें जो भी होगा वो यहाँ पे सही होगा भाई, किसी के पक्ष में नहीं हम निर्णय लेते, हमारे लिए सब बराबर है। चलो भाई खेल को आगे बढ़ाया जाए। और ये आउट करा दिया और ये चौथे विकेट का पतन हुआ आरबी इलेवन का। अभी यहाँ पे सब कुछ सही होता हुआ और इस बार अच्छी शक्ति सीधा फील्डर के हाथ में। चलो भाई आरबी इलेवन का एक प्लेयर आ जाए यहाँ पे अच्छा। लेकिन फिर भी एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे और ओवर की समाप्ति की घोषणा। ओवर की समाप्ति।
चार ओवर की समाप्ति के बाद में बढ़ता हुआ स्कोर 31 रन 30 रन सॉरी काफी ऊपर उठा दिया था लेकिन ये गुड्डू का सबसे बड़ा विकेट गिरा जो काफी अनुभवी बल्लेबाज थे काफी बड़ा झटका लगता हुआ आरबी इलेवन को पांचवा विकेट का पतन हुआ यहाँ पे आज कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाने में सक्षम नजर नहीं आता हुआ थोड़ी सी लड़खड़ा की पारी नजर आती हुई आरबी इलेवन की अभी भी काफी ओवर बाकी है थोड़ा समझ के खेलना होगा थोड़ी पार्टनरशिप करनी होगी महेश अगली गेंद करेंगे काफी अनुभवी गेंदबाज और इस बार दिशा से बच के और काफी बाहर गए और हम पायर का बिल्कुल सही डिसीजन व्हाइट गेंद का अमूमन बहुत ऐसी गेंदबाजी नहीं करते लेकिन थोड़े दिशा से बचते थे काफी तेज आउटफील्ड नहीं रोक पाएंगे इस गेंद को और ये बेहतरीन चालन आते हुए काफी देर के बाद अच्छा शॉट था महेश काफी तेज गेंदबाजी करते थे लेकिन आज थोड़ी धीमी गति की गेंद जो कि 120 की रफ्तार से गेंदबाजी करते हुए मोहसिन सर ने काफी अच्छा यहाँ पे गेंद ढूंढ निकाला था और अगली गेंद का सामना करेंगे अनिश को अगला मैच खेलना पड़ेगा भाई किधर जा रहे हो लेकिन रन नहीं लिया यहाँ पे रन लेने का प्रयास था नहीं मिल पाएगा कर दिया है हाथ में गेंद और फिर भी एक रन आसानी से पूरा किया और ओवर की समाप्ति चलो चलो आकाश भाई लगो
समाप्ति के बाद में बढ़ता हुआ स्कोर 42 रन 42 रन बना लिए है। काफी अच्छा स्कोर माना जाएगा और अभी भी 12 गेंदों का खेल बाकी है तो कम से कम यहां से 15-20 रन और बनाने होंगे भारतीय 11 को। और अभी भी 5 विकेट हाथ में है तो यहाँ पर रनों की गति को बढ़ाना होगा आरटी 11 के बल्लेबाजों को। मोहसिन अभी भी पूरा प्रयास करते हुए लेकिन बड़ी हिट लगानी होगी। सिर्फ 12 गेंदों का खेल बाकी है।
यहां से देवी टीम जीतेगी, उनका मुकाबला अली स्पोर्ट के साथ में खेला जाएगा। ओके भाई ओके, 42 रन हुए है, 42 हुए, लगे तो पार्टी में देख लेना। एक प्लेयर को बैठ दो भाई, राजू सर। और इसका अच्छी गेंद की अगली गेंद, अच्छी गेंद की फिर से यहाँ पे खत्म हो गया। अच्छी गेंद बाकी और हमारा भी यहाँ पे थोड़ा मजा नहीं आ रहा है। और इतना बड़ा मुकाबला, कड़ा मुकाबला, जो कि फोन हिट लगाना नहीं होगा। और ये छठा विकेट गिरा, अगला मुकाबला जो भी टीम जीतेगी उसके साथ खेलना होगा अली स्पोर्ट को। अरे यार मसला खत्म करो और अगला मुकाबला खेलना ही पड़ेगा। अगली गेंद के मारा है फील्डर मौजूद और ये अंपायर दिया अंपायर ने। विकेट गिरा अभी अभी यहाँ पे, सातवां विकेट गिरा है। बहुत अच्छा बैठता तो 43 रन। बढ़िया बढ़िया है भाई, अच्छा डाल रहा, अच्छा डाल रहा, बढ़िया अच्छी लाइन है। अभी नहीं लगा पा रहे और इस बार भी कोई मौका नहीं पड़ रही लगाने का। बेहतरीन ओवर की समाप्ति हुई और सिर्फ एक ही रन आया इस ओवर से, काफी किफायती ओवर निकला यहाँ पे सिटी इलेवन की तरफ से आकाश का। ¡Gracias!
अंतिम ओवर लेके आएंगे महेश आकाश
58 रन बने हैं। इस मुकाबले को जीतने के लिए 59 रन की आवश्यकता। एक 59 रन बनाना है भाई केसीआर 11 को। आधार 11 खेतिया वर्सेज आर टी 11 अब तक हुआ के बीच में ये कड़ा मुकाबला चलता हुआ, जो कि सुपर फोर के लिए क्वालिफाई करेगी। जो जीतेगी उनका मुकाबला अली स्पोर्ट्स के साथ में खेला जाएगा।